पाए। और हमारा जो हमारा जहाँ पे हमने एक मीटिंग जहाँ रखी थी, क्योंकि डीलर एसोसिएशन जो हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हूँ, और आज जहाँ नास का मसला, हमारे मोहर का मसला, धरमाड़ी का मसला और कहीं गुलाबगढ़ एरिया का मसला, पहले हमने नास से शुरुआत की। बेसिकली हमारा ये मसला है कि इस महीने जो हमारी डीलर लोग जो राशन दे रहे हैं, जब पिछले महीने से भी जो राशन दे रहे हैं, उनको ये दिक्कत आ रही है कि जब हम राशन देते हैं तो हमारा राशन किसी की अगर 500 राशन कार्ड है तो उनमें से मुझे लगता है कि 150 राशन उनके कट गए। वो एक कारण ये है कि हमारे दूर दराज एरिया में, जैसे आप पठानकोट का एरिया ले जाओ, सावलकोट का एरिया ले जाओ और गुलाबगढ़ का कुछ एरिया और पौनी का कुछ एरिया ले जाओ, हमारे अभी तक मुझे लगता है 25% जो आधार कार्ड नहीं बने हैं। हालांकि जब आधार कार्ड नहीं बने, वो राशन कार्ड के साथ अटैच नहीं हुए, तो वो राशन सारा कट जा रहा है और लोग मौके पर मौजूद हैं वहाँ पर। मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि टीमें, जैसे उन्होंने पहले भेजी थी आधार कार्ड बनाने के लिए, वहाँ पे टीमें भेजी जाएँ, हर तहसील हेडक्वार्टर पे, हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे टीमें भेजी जाएँ और लोगों के आधार कार्ड बने। और गवर्नमेंट को सख्ती भी करनी चाहिए कि आधार कार्ड जो आदमी नहीं बनाता है तो उसको कहना चाहिए भाई, एक निशानदेही करनी चाहिए अपनी एजेंसी लगा के, और जैसे आधार कार्ड बने तो लोगों को ये राशन मिले। दूसरा, आज हमने जो मीटिंग जहाँ पे की, हमारी रियासी ऑफिस में जो हमारे AD साहब हैं, वहाँ पे ऑफिस में एक लड़की वहाँ पे बैठती है जो ऑपरेट करती है, रितिका नाम है उसका, वो हमारी और हमारे डीलरों की ये शिकायत है कि वो वहाँ पे हमारा जितना, अगर किसी के 5 फैमिली के मेंबर हैं, 3 का अगर वो आधार कार्ड उनके साथ लिंक है, 2 का नहीं है, तो पूरा राशन कार्ड ही वो काट देती है। मेरा ये कहना है कि बाकी मेरे साथी जहाँ पे बैठे हैं, काफ़ी डीलर लोग और बड़े सीनियर लोग, सरपंच साहबान कुछ जहाँ पे बैठे हैं, ये भी आपसे बात करेंगे। मेरा ये कहना है कि मेरे AD साहब जो रियासी में, वो अच्छे हैं, हमारे जहाँ रनास में जो TSO साहब बैठे हैं वो भी अच्छे हैं, महकमा हमारा फूड सप्लाई जितना भी बड़ा अच्छा है, मगर मेरा इनसे ये कहना है कि कम से कम जो लोगों का राशन कट जाता है, डीलर जब मौके पर राशन देता है तो लोग वहाँ पर गालियाँ देते हैं और लोग मारने पड़ जाते हैं। मुझे ये लगता है कि आज जहाँ पर इन्होंने एक लड़का जहाँ पर बैठाया जो इनका कंप्यूटर चलाता है और जितने औजार उसके साथ लगते हैं, मैं ये कहता हूँ AD साहब से जी, भी ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी दूर दराज एरिया के भी जो आधार कार्ड नहीं लगे हैं, बुला के लोगों को बुला के वहाँ पे हमारे आधार कार्ड लगने चाहिए, और आधार कार्ड जब लग जाएंगे तो हमारा राशन लोगों को मिल जाएगा। आज तो जो जितना राशन हमें आता है, जितना डीलरों का राशन कट जाता है, मगर वो लोग वहाँ मौके पे आके डीलरों से लड़ते हैं, कहते हैं हमारा राशन कैसे कट गया, और वहाँ पे लड़ाई करके भी वो ले जाते हैं और गालियाँ तक भी वो लोग डीलरों को देते हैं। डीलर ही एक ऐसा एक ऐसा हमारा डीलर एसोसिएशन है, हमारी डीलर लोग हैं जो दूर दराज एरिया में जाके राशन पहुँचाते हैं। जैसे आपका मैंने बोला पठानकोट का एरिया, वहाँ भी डीलर राशन पहुँचा रहा है, सावलकोट का एरिया, वहाँ भी डीलर राशन पहुँचा रहा है, आपका गुलाबगढ़ का एरिया, वहाँ भी डीलर राशन पहुँचा रहा है, आपका पौनी का कुछ जो दूर दराज एरिया, संगठ का एरिया, वहाँ भी डीलर राशन पहुँचा रहा है। डीलर को ये दिक्कतें आ रही है, मेरी महकमे से और डॉक्टर साहब से भी मेरी ये गुजारिश है कि जो हमें दिक्कतें आ रही हैं वो हमारी दिक्कतें हल करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और हमारे जो ऊपर बैठे हैं उनको यही है कि नहीं जी, इनके आधार कार्ड है ही नहीं, ये लोग फेक है, आप चेक करिए, एजेंसी लगाइए, अगर कोई आदमी फेक आपको दिखता है तो मैं ये कहता हूँ, मैं अगर केवल सिंह अपने चिंका में रहता हूँ, अगर मेरी ये निशानदेही करें कि अगर मैं वहाँ पे, मेरा आधार कार्ड नहीं है, आपको ये पता है कि आधार कार्ड बनने में 500-700 रुपया लगता है, जब आप 500-700 रुपया कोई आदमी नहीं कर सकता है, उसका आधार कार्ड नहीं होता है, तो उनका राशन कट जाता है, जब उनका राशन कटता है तो लोग डीलरों के साथ झगड़ा करते हैं। ये मेरा कहना है कि डॉक्टर साहब भी, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि अपने महकमे को आप पूरी हदायत दें कि लोगों की हित की बात करें, हम हमेशा लोगों की हित की बात करते हैं, हमारे जो गरीब लोग राशन से आज जिनका उसमें नाम लिस्टों में नहीं है, उनका नाम लिस्टों में चढ़ना चाहिए और उनको राशन मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। मैं आपके माध्यम से जो यहाँ पे मीडिया के आप आए हैं, आपके माध्यम से मैं ये गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि डीलर ही एक ऐसा शख्स है जो कि हर मुश्किल घड़ी में जो है लोगों का काम करता है। मैं चौधरी मोहम्मद शफी, सरपंच ठकराकोट हूँ और झंडी स्टेशन का मैं डीलर भी हूँ। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ आपसे कि आपके माध्यम से हमारा आज ये जो एक मैसेज है, ये ऊपर तक, गवर्नमेंट तक जाना चाहिए। हमारी कुछ मुश्किलें हैं डीलरों की, वो ये मुश्किलें हैं कि हमें जैसे पिछली बार 8 महीने का जो फ्री राशन आया था, रिलीफ का राशन,
इस वक्त तक वो 8 महीने की कोई कैरेज जो है किसी डीलर को नहीं मिली, जबकि जो कैरेज करके दूर दराज इलाकों में राशन पहुंचाया उस राशन के लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इस वक्त तक जो है 8 महीने का पिछला किराया नहीं मिला, और जो आज हम 4 महीने का फिर दोबारा हमने राशन उठा लिया रिलीफ का, तो ये 4 महीने और 8 महीने पिछले लगा के 12 महीने की इस वक्त तक हमें रिलीफ का जो राशन उठाया उसका कोई किराया नहीं मिला। मैं यही गुजारिश करूंगा कि इतना अमीर तो डीलर है नहीं कि वो अपने जेब से 12 महीने का किराया जो है वो दे के राशन वहाँ स्टेशन पर पहुँचा सकता है। जल्दी से जल्दी ये किराया जो है ये लोग डीलर लोगों को मिलना चाहिए। इसके अलावा जो जैसे हमारे केवल सिंह जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी बताया कि हमारा जो है ये जो राशन कार्ड का मसला है, अगर मेरा 600 राशन कार्ड है या किसी दूसरे डीलर का 300 राशन कार्ड है, 600 राशन कार्ड वाले का बीच में से 200 राशन कार्ड जो है वो कट गया, तो उसमें वो ऐसे काटा कि वहाँ पे जो एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक लड़की वहाँ पे लगाई गई है जो इसकी देख रेख कर रही है, उसके बाद ऐसा हुआ कि जहाँ पे अगर एक फैमिली के 8 बंदे थे, 8 बंदों में से 5 बंदों का आधार कार्ड लिंक था, 3 बंदों का नहीं था क्योंकि उनके आधार कार्ड नहीं बने हुए थे, उसने वो 3 बंदे काटने चाहिए थे, 5, 8 के 8 ही काट दिए, उसकी वजह से काफ़ी सारा जो है हमारा ये मसला आ गया। दूसरा जो हमारी मशीन आखिर उसको अप्रूव तो मेरे को कहा उच्चाधिकारी उसको अप्रूव तो करता होगा जब राशन कार्ड उसने डिलीट कर रहा वहाँ से पोर्टल से जब वो डिलीट हो गया अप्रूव तो उच्चाधिकारी करेंगे ना उसको, उसके बाद अप्रूव तो आगे करता होगा कोई दूसरा ऑफिसर होगा जो उसको अप्रूव करता होगा। जब वो कट गया राशन, उसमें से काफ़ी सारा राशन जो था वो जो डिलीट हो गया राशन कार्ड उनका राशन नहीं आ रहा, और जो लोग वहाँ पे मौके पे राशन मांगने वाले हैं वो सभी बोलते हैं कि हमें राशन पूरा दे दो, वो छोड़ते नहीं अपना राशन क्योंकि पुराने राशन कार्ड कट गए हैं लोगों के। इसके अलावा जो हमारा बाकी जो मसले हैं हमारा, जैसे मैंने कैरेज का बोला, जैसे ये राशन कार्ड कट गए, इसी तरह जो है हमारी काफ़ी सारी और मुश्किलें हैं। कमीशन जो थी, कमीशन जो मिलती थी डीलर को, वो कमीशन इस वक्त तक जो है उसमें कितनी मिली है और कितनी बैलेंस है ये डिपार्टमेंट ने देखना चाहिए, लोगों के मसलों मसाइल जो है ये देखने चाहिए। मिड डे मील का राशन था उसकी कैरेज नहीं मिल रही है, आंगनवाड़ी का राशन उठा के ले गया डीलर उसको कैरेज टाइम पे नहीं मिल रही है। इस हालात में भी डीलर काम कर रहा है, मगर मैं यही गुजारिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों के ये मसाइल जो है ये हल हो सके, ताकि डीलर जो है आगे भी काम करें और डिपार्टमेंट की भी उसमें इज्जत है, हमारी भी सब लोगों की। हम यही गुजारिश करते हैं बार बार डिपार्टमेंट से कि 12 महीने की जो कैरेज है ये जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। और हमने आज की मीटिंग में ये भी फैसला किया है, तमाम डीलर जो एसोसिएशन थी हमारी यहाँ अरनास की, हमने ये फैसला किया कि हम अगले महीने अक्टूबर से राशन नहीं उठाएंगे, जितनी देर तक हमारा पिछला जो है ये किराया नहीं मिलेगा इतनी देर हम अगले महीने से राशन बंद कर रहे हैं, हम कोई राशन नहीं उठाएंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं हुकम सिंह, एक्सिट पेंच और डीलर धनौड़। जैसे मेरे साथियों ने और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने भी बोला राशन के बारे में ही, 1 महीना 1.5 महीना या 2 महीने से इतनी हद तक राशन कार्ड कटे जा रहे हैं, पता नहीं इसको किस तरह से काटा जा रहा है, हमें कोई पता नहीं चल रहा है। पिछले महीने हमने जिन लोगों को राशन दिया था उनके 8, 7, 6 आदमी, किसी के पूरे आदमी का ऑनलाइन राशन वो आधार कार्ड है उसमें, लेकिन इस बार उनके नाम ही नहीं है। हमें आप पूरी वेरिफिकेशन की तो वो यही पता लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडी ऑफिस में एक लड़की कोई बिठाई गई है, वो प्राइवेट है या सरकारी नौकरी है उसकी क्या है, वो बिल्कुल किसी आदमी को भी नहीं बख्श रही और सब के सब वो उनको राशन कार्ड डिलीट कर रही है। मेरा एडी साहब से भी ये रिक्वेस्ट है, डीसी साहब से भी और सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ। एडी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत लगन से हमारे इन लाखों गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। यहाँ TSO साहब भी बहुत अच्छे हैं, ये भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में मुझे लगता है कि भाई प्राइवेट कंप्यूटराइज करके डिप्लोमा लेके जो चले जाता कंप्यूटर के पीछे, उसको स्पेलिंग ही नहीं आते, नाम ही नहीं आते, वो उस वजह से कट रही है। नहीं तो उसको इस इलाके गरीब लोगों के साथ क्या दुश्मनी थी, क्यों ये काटना है। दूसरा, मैं शुक्रगुजार हूँ सेंट्रल सरकार का, मोदी सरकार का, जिन्होंने इतना बड़ा दिल रख के 1 साल का राशन जो है इतनी दुनिया को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया। लेकिन इनको याद नहीं रही कि ये उन दूर दराज पहाड़ियों पर, खच्चरों पर, घोड़ों पर
ये राशन कैसे पहुँचाना, उसका कैरेज कैसे लगता है। एक गरीब इतना बड़ा तो इंटरेस्टेड है नहीं कि बहुत बड़ा उसकी इंडस्ट्री है चल रही है, वो गाड़ियाँ चल रही हैं या उसकी अपनी खचरे चल रही है, जो कि इतना पैसा कहीं से वसायल लाकर तो वो कैरेज उनको देगा। एक साल से राशन तो हम गरीब लोगों को पहुँचा रहे हैं, महकमा भी दे रहा है, लेकिन किराया नहीं। वो किस चीज़ की सज़ा हम डीलर लोगों को दे रही है सरकार। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से भी, गवर्नर साहब से भी, वो सेंट्रल सरकार को लिखें कि ये प्रॉब्लम हमारे जम्मू कश्मीर में आ रही है और ये फौरन जल्द अज जल्द हल की जाए। यहाँ MMS का राशन मिलता था लोगों को, APL में मिलता था, उसके बदले वो JKS की पत्नी क्या स्कीम एक लागू कर दी, उसमें आजकल वो राशन बंद कर दिया है। जिन लोगों को फ्री नहीं मिल रहा है APL में जहाँ कुछ भी है, उनको राशन नहीं मिल रहा, वो भी परेशानी आ रही। दूसरी तरफ से जो राशन कार्ड काटे गए हैं, आज मैं ये कहूँगा मेरा 63 राशन कार्ड जो है, पिछले महीने जिन लोगों ने राशन लिया इस महीने में वो बिल्कुल लिस्ट में नहीं है। तो कल मैं राशन लेके अगर जाऊंगा सेंटर पे, वहाँ तो वो लोग मुझे पिटाई करेंगे, बहुत बुरी हालत है, मैं कैसे राशन दूंगा। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ एडी साहब, अगर किसी महकमे के आदमी को लेके वो राशन वहाँ तकसीम करवाएं, लोगों से पता चलेगा कि भाई कैसे राशन डीलर कैसे तकसीम करता है और डीलर की क्या मुश्किलात है, वो प्रैक्टिकली मौके पे जाके पता चलता है। वहाँ जूते हम लोगों को बचते हैं, गालियाँ हम लोगों को बचती हैं जो हम डीलर हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी सिर सब ठीक है लेकिन जो भी गड़बड़ हो रहा है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हो रहा है, जो लड़की है वो गलत कर रही है, वही ये जो कंप्यूटर पे उन्होंने लगाई है, यहाँ से अगर कोई डाटा जाता उसी ने आगे फीड करना हो तो वो सही तरीके से फीड नहीं कर पा रही है। अगर वो लड़की की बात कर रहे हैं, अगर वो इस मामले में दोषी पाई जाती है तो आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार की उसको फौरी तौर ट्रांसफर किया जाए, उधर कोई और आदमी जो अच्छा एक्टिव आदमी हो, जो लोगों का काम करे, जो पढ़ा लिखा अच्छा है, कंप्यूटर जानता है, उसको लगाया जाए। आपको एक साल से कैरेज नहीं मिल रही है, फिर भी आप हम काम कर रहे हैं, आपकी चालू है जी, तो फिर आप बिना पैसे से आप कैसे। नहीं, हमने आज एक रेजोल्यूशन पास किया, जितने भी अपने यूनियन के लोग थे सब, डीलर एसोसिएशन यूनियन जो है, सबने बैठ के एक रेजोल्यूशन हम डीसी साहब को भी देंगे, एडी साहब को भी देंगे, एक दो दिन में हम देने वाले हैं, और अगले महीने का हम राशन नहीं उठाएंगे। अगले महीने से हम राशन नहीं, फ्री ऑफ कास्ट राशन तो है लेकिन कैरेज तो फ्री ऑफ कास्ट नहीं ना पहुंच सकती, नहीं कोई पहुंचा सकता। वो तो पूछ रहे एक साल कैसे तो उस काम को चला रहे हैं, क्योंकि आपका इलाका पहाड़ी क्षेत्र है जी, बिना घोड़े और खतरों के बिना सामान आपको ले नहीं पाते जी, ठीक है ना, बिना कैरेज का कैसे आप काम चला रहे। कुछ लोगों के पास तो इतना वसायल होगा वो खुद करता है, कुछ गरीब लोग जो है किसी से उधार लेकर खचरू वालों को देते हैं, गाड़ी वालों को देते हैं, ऐसे ऐसे काम चला रहे हैं। अभी तक खच्चर वालों को नहीं दिया है साल से, खच्चर वाले के किसी को अगर ये इंक्वायरी की जाए हमारी, जो खच्चर वाले उनको पूछा जाए कि आपको क्या डीलर पैसे देते, हमने उनको भी नहीं, झूठ नहीं मारे, उनको पैसे जब तक सरकार हमें नहीं देगी हम कहाँ से देंगे। उनकी भी प्रॉब्लम, वो गरीब जिसने सुबह उठकर शाम तक एक फेरा लगाना हो तो शाम तक वो लगाता है, दो खचरे होगी वो क्या कमाता है, तो उसमें भी उसको एक साल हो रहा बेचारा सफर हो रहा है, वो बाल बच्चे के लिए रोटी कहाँ से लाएगा, वो मुश्किल आ रही है। और दूसरा ये मैं कहूँगा, जो भी इसमें ये हेरा फेरी हो रही है राशन कार्ड्स में जो काटे जा रहे हैं, जिनका आधार नहीं उनको काटो लेकिन पूरा राशन कार्ड मत काटो, कुछ ना कुछ बीच में जो दो तीन आदमियों का है उसका रखो, जो नहीं है आधार कार्ड जिनके पास। दूसरा मैं ये कहूँगा 25-30% लोग जो अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, क्योंकि हमारे कुछ गुजर बकरवाल लोग होते हैं वो वार्ड 1 श्रीनगर कश्मीर ढोकू में चला जाते हैं, जब कोई आधार कार्ड बनाने वाला है तो वो उस वक्त वहाँ नहीं थे। गाँव में आधार कार्ड के कैंप लगते हैं, लगे थे एक बार, उस बार वो लोग इधर थे नहीं, उसके बाद में उन्होंने किसी को नहीं भेजा। आप दोबारा ये कैंप लगने, हम ये गुजारिश कर रहे हैं आपके माध्यम से कि भाई आप दोबारा ये कैंप लगाया जाए, वो लोग भी आ रहे हैं डोकू से आ रहे हैं वापस, और उनके भी आधार कार्ड बने, ताकि ये सरदर्दी सबकी, गवर्नमेंट की भी, डीलर्स की भी, आम लोगों की भी सरदर्दी दूर हो जाती है, लेकिन ये कैंप लगाना चाहिए। शुक्रिया। जाहिर एक चीज और है, थोड़ी सी हमसे रह गई थी, एक जो मशीन लगाई है अंगूठा लगा के लोगों को राशन मिलता ऑनलाइन, उसमें कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, वो मशीन की प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, वो लोगों के ना गूंठे लग के वहाँ पर्ची नहीं निकल रही है, वो भी जो राशन है हमारा वो कट रहा है। हम यही गुजारिश करते हैं कि कम से कम उन इलाकों को निशानदेही की जाए और उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ गवर्नमेंट दे दे, ताकि वो इलाके जहाँ पे नहीं ये मशीन का नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे नहीं मशीन चल पा रही है, तो वहाँ पे डीलरों को दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से जो है राशन कट रहा है। दूसरा, जो राशन का किराया अभी इन्होंने वहाँ पर बनाया, उस किराए में भी उन्होंने कहा कि जितनी हमारी वहाँ पे वो मशीन चली होगी
उसमें अगर 50% चली है तो आपको किराया 50% मिलेगा। अगर 100% राशन लेके लोगों को दे दिया तो वो 50% का अगर किराया देंगे तो डीलर कहाँ से पूरा करेगा। ये हमारे इस रंकिंग को काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये आगे तक हमारी आवाज़ जो है ये पहुँचनी चाहिए। शुक्रिया।